आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दी कि भाई की शिकायत पर एक महीने बाद कब्र से निकाला गया मृतिका विवाहिता का शव। भाई ने बहन की जताई थी हत्या की आशंका। भाई की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतिका के परिजनों की शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने निकलवाया शव। स्थानीय पुलिस भी मौके पर रही मौजूद। थाना किरतपुर के मेमन सदात की घटनाएं देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्राप्त संख्या 324 थाना कोतवाली नगर है। 25 जुलाई 2024 को रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि जो मृतिका है शैला खातून, उनके भाई जो है तस्वीर है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था या एक शहज हत्या है। और ये जो बॉडी है ये 15 जुलाई को दफनाई गई थी। तो प्रोसीजर का जो मृत्यु का असली कारण पता लगाने के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाना बहुत ही आवश्यक था। उसमें उचित माध्यम से सारी परमिशन ली गई और उस परमिशन के तहत आज यहाँ मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में इस बॉडी को कब्र से निकालते इसको लगाया जा रहा है। इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला जो भी मामला है इसका। जी हाँ, पोस्टमार्टम के बाद ही जो है कॉज ऑफ डेथ पता चला। यही कहना चाहेंगे कि ये लोग शांति बनाए रख सकते, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि किसी की भावनाओं को कोई आहत ना पहुंचे। मौलाना साहब को भी यहाँ बुलाया गया था और समाज के जो सम्मानित व्यक्ति उनसे भी अनुरोध किया गया था कि हमारा कोई भी इसमें मकसद भी है शव का अनादर का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा जो प्रक्रिया है उसके पूरा चल रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की जनता के लिए। उन्होंने हमारे साथ इसमें पूरा कॉपरेट किया। यहाँ के जो भी संभ्रांत होते थे उन्होंने हमारे साथ इतना सहायता किया। उन्हें उनके उनका धन्यवाद समझा। मैं जो लड़की का भाई है डॉक्टर शिको, उसने कोई तहरीर दी थी कि मेरी बहन को शक है कि मारा गया। अब उनमें इन लोगों में बीच में कुछ क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, मगर गवर्नमेंट के आदेश कि जब शक है तो उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच के लिए पोस्टमार्टम करा रहे। तो आज आए वो तमाम अधिकारी थे और मजिस्ट्रेट थे, मगर हम लोगों ने भी कहा जब कानूनी प्रक्रिया तो कानून का साथ और उसे लाश को पोस्टमार्टम के लिए सबको मिलकर भिजवा भिजवाए। आप कुछ कहना चाहोगे? दो वर्ष पहले। डॉक्टर साहब की बहन थी ना? डॉक्टर शिको की बहन शैला। ठीक है।